साईं प्रणाम। सिटी विन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर, मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवागत एसडीएम सदर ने कहा, तहसील में आने वाले फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण पहली प्राथमिकता। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा दशहरा से पूर्व महानगर में नगर निगम के अधीन सड़कें हो जाएंगी गड्ढा मुक्त। देवरिया घटना में घायल बच्चे का सदर सांसद ने जाना हाल, कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। नगर आयुक्त व प्रवर्तन दल प्रभारी के नेतृत्व में प्रवर्तन दल टीम की बैठक संपन्न, कई विषयों पर हुई चर्चा। चौरी चौरा थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर चोरी लूट नकबसनी जैसे अपराध करने वाले गिरोह के 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। वार्ड संख्या 71 के स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त से की मुलाकात, कहा डेंगू पर करें प्रभावी नियंत्रण। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गोरखपुर के सभापति ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा निर्धारित लक्ष्य को समय से पूर्व पूरा करते हुए 2,10,00,000 रुपए अंशधन किया गया प्राप्त। जनपद में हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी व उमस से मिली राहत। नगर निगम प्रशासन महानगर के 13 प्रमुख बाजारों में नाइट शिफ्ट में कर्मचारियों को लगा चला रहा विशेष सफाई अभियान। और मुख्यमंत्री के घोषणाओं एवं 8 सूत्री मांग को लेकर ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा कार्मिक एकता संघर्ष समिति ने पैदल मार्च निकाल सौंपा ज्ञापन। 2022 बैच के आईएएस अधिकारी कुमार सौरभ ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर का कार्यभार ग्रहण कर अपनी प्राथमिकताओं को गिनाया। उन्होंने बताया कि तहसील पर दूर दराज से आने वाले फरियादों की समस्याओं का ससमय निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, साथ ही शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न परियोजनाओं को समय से पूरा करने व परियोजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुँच सके इसे सुनिश्चित भी कराया जाएगा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसडीएम सदर कुमार सौरभ ने बताया, 2022 बैच का हूँ आईएएस और मैंने अभी गोरखपुर में मई में ज्वाइन किया था और अभी मेरे को एसडीएम सदर का चार्ज मिला है। प्राथमिकता देखी जाए तो तहसील पे यही है कि जो भी फरियादियाँ हैं उनको तुरंत सुना जाए, उनकी समस्या का निदान किया जाए और सबकी लोगों को सहानुभूति के साथ सुना जाए और उनकी प्रॉब्लम को तुरंत निस्तारण किया जाए, यही मेरी मेन काम रहेगा यहाँ पर। प्लस यहाँ पर अभी कई सारी परियोजना चल रही हैं जैसे कि स्वामित्व और एग्रीस्टेक, उसकी प्रगति अच्छी बनी रहे इसकी मॉनिटरिंग भी हम मेरे द्वारा की जा रही है। शासन के निर्देश के क्रम में महानगर के सड़कों पर गड्ढा मुक्त बनाने को लेकर नगर निगम विभाग लगातार कर रहा है प्रयास। ऐसे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया कि दशहरा से पूर्व नगर निगम के अधीन सड़कों को गड्ढा मुक्त बना दिया जाएगा। देखिए शहर में सबसे सर्वाधिक जो सड़कें हैं वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं, लगभग अगर हम बात करें लगभग 70% से अधिक सड़कें पीडब्ल्यूडी की हैं। पीडब्ल्यूडी के द्वारा गड्ढा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है, माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश भी हैं तो पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी गड्ढा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। कुछ सड़कें जीडीए की हैं, कुछ सड़कें आवास विकास की हैं और कुछ सड़कें नगर निगम की हैं। नगर निगम का टारगेट है कि दशहरा से पहले सभी नगर निगम की सड़कें हैं जो हैं वो गड्ढा मुक्ति हो जाए। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट ये हो जाता है कि हर सड़कों को नगर निगम का मान लिया जाता है जबकि ऐसा नहीं होता है। कई सड़कें जो होती हैं वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें होती हैं, जीडीए की सड़कें होती हैं, आवास विकास की सड़कें होती हैं, एनएच की सड़कें होती हैं या किसी आरईएस की सड़कें होती हैं, अन्य कार्यदायी संस्थाओं की सड़कें होती हैं, उनको जैसे ही हमारे पास जानकारी आती है तो संबंधित विभाग को लिखा जाता है। लेकिन नगर निगम की जो सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्ति हम कर लेंगे, लेकिन नगर निगम क्षेत्र में से ऐसा नहीं है कि सारी सड़कें नगर निगम की हैं, कार्यदायी संस्था अलग अलग काम कर रही हैं, उनको हम सूचित भी कर रहे हैं, अन्य कार्यदायी संस्थाओं के माध्यम से भी हम बता रहे हैं कि गड्ढा मुक्ति कराया जाए, लेकिन नगर निगम की सड़कों जो नगर निगम ने जिनका बनाया है उन सड़कों को हम दशहरा तक कार्य मुक्त कर लेंगे। बुधवार को सदर सांसद विकिशन शुक्ला ने बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज में भर्ती देवरिया घटना में घायल मासूम बच्चे अनमोल दुबे का हाल जाना और डॉक्टर को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि यह एक हृदय विदारक घटना है, ऐसी घटना का होना निंदनीय है, एक साथ इतने लोगों की हत्या बहुत दर्दनाक है, खुद मुख्यमंत्री की नजर इस पूरे घटना पर है,
दोषियों को कठोरतम सजा मिलेगी, कोई बचेगा नहीं। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष व MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह सहित भाजपा पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। बहुत दुखद है जो हुआ, और महाराज जी ने भी कहा है कि जो भी इसमें दोषी पाए गए उसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई जैसे जानकारी मिल रही, और कठोरतम सजा हो, कोई बचेगा नहीं। जो भी ये बहुत ही दुखनीय रहा, और बालक महादेव की दया से अब ठीक टाके लगे हैं, डॉक्टर साहब आ गया जी और गणेश जी सब ध्यान दे रहे हैं, और बस निशब्द हैं इस वक्त, क्या बोले, बस महादेव इस दोनों बच्चों को कर लें, और इन लोगों की कोई भी चिंता हो महाराज जी ने कहा सरकार पूरा ध्यान देगी, मंत्री जी भी हमारे साथ और डॉक्टर साहब डॉक्टर धर्मेंद्र जी भी आए हैं, सब देखने पूरा जानकारी है, सुरक्षा व्यवस्था सारी चीज़ें BRD में पूरी तरह देखी जा रही है। नगर निगम के प्रवर्तन दल द्वारा प्रतिबंधित पॉलीथीन, अवैध अतिक्रमण, साफ सफाई सहित अन्य को लेकर लगातार कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। ऐसे में परिवर्तन दल को और विस्तार देने के साथ ही टीम को 2 महिला शक्तियों के साथ और मजबूत किया गया है, जिसे परिवर्तन दल महानगर में नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे अभियानों को पूर्ण रूप से अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सके। इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल व प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल DK सिंह के नेतृत्व में नगर निगम सभागार में प्रवर्तन दल की टीम के साथ बैठकर विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, देखिए जो प्रवर्तन दल है ये शासन के द्वारा प्रत्येक नगर निगम में जो हमारे एक्स सर्विस मैन हैं उन सबके द्वारा और कर्नल रैंक के अधिकारी के द्वारा प्रवर्तन दल को संचालित किया जाता है, और प्रवर्तन दल के द्वारा नगर निगम क्षेत्र में जितने भी निरोधात्मक कार्रवाइयाँ होती हैं, जितने भी इन्फोर्समेंट की कार्रवाइयाँ होती हैं, सब प्रवर्तन दल के द्वारा की जा रही हैं, चाहे उसमें प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान हो, चाहे वो अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान हो, चाहे वो गंदगी साफ सफाई के विरुद्ध अभियान हो, और किसी भी प्रकार के अतिक्रमण, किसी भी प्रकार के कब्जे और किसी भी प्रकार के ऐसी जो कार्रवाई जिसमें इन्फोर्समेंट की आवश्यकता पड़ती है प्रवर्तन दल के द्वारा की जाती है। अभी हमारे प्रवर्तन दल में अंडर स्टाफ था जिसकी वजह से कार्रवाइयाँ थोड़ा उतनी सघन गति से नहीं हो पा रही थी, इसलिए प्रवर्तन दल में हमने कुछ नए हमारे एक्स सर्विसमैन और आए हैं, जिसकी वजह से प्रवर्तन दल की दक्षता बढ़ेगी, प्रवर्तन दल की क्षमता बढ़ेगी। साथ ही साथ हमने प्रवर्तन दल में पहली बार हमने महिला शक्ति को भी उसमें इंट्रोड्यूस किया है, ताकि कुछ मैटर्स होते हैं जिसमें हमारे महिला गार्ड्स की आवश्यकता होती है, तो इस बार हमारे नगर निगम प्रवर्तन दल में महिला गार्डों की भी नियुक्ति की गई, जिसके द्वारा एक बेहतर महिला सशक्तिकरण का उदाहरण पेश किया जा सके। तो इसी के संबंध में आज हमने बैठक भी किया था, और नए लगभग 8 के आसपास हमारे नए जवान और 2 हमारी उसमें महिला वो आई हैं, और प्रवर्तन दल को गति मिलेगी, जिससे नगर निगम क्षेत्र में इन्फोर्समेंट की कार्रवाइयाँ लगातार चलती रहेंगी। जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश के क्रम में संगठित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी के संबंध में चलाए जा रहे अभियान के तहत चौरीचौरा थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर चोरी, लूट, नकबजनी जैसे अपराध करने वाले गिरोह के 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान गैंग लीडर मार्कंडे उर्फ दयाशंकर निषाद, राहुल कुमार विश्वकर्मा व मोनू कुमार निषाद के रूप में हुई है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए
पुलिस अधीक्षक उत्तरी मनोज कुमार अवस्थी ने बताया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गोरखपुर द्वारा संगठित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज थाना चौरी चौरा द्वारा 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई। इन 3 अपराधियों का नाम मारकंडे, राहुल तथा मोनू है। इनके विरुद्ध लूट, नकबजनी तथा मारपीट के कई मुकदमे पंजीकृत हुए हैं। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत होने के पश्चात इनके द्वारा अवैध रूप से अर्जित सभी संपत्तियों का पता लगाया जाएगा तथा उनकी नियमानुसार धारा 14(1) के अंतर्गत जब्ती कराई जाएगी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं प्रिया मिश्रा, आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं विशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ, आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय मनमीत। हाय मनमीत विद मी ब्रोस, और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, आइए देखते हैं दिन भर। महानगर के वार्ड नंबर 71 में लगातार डेंगू के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं, जिसको लेकर स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त गौरव सिंह सुगरवाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा और डेंगू पर नियंत्रण को लेकर प्रभावी कार्रवाई किए जाने की अपील की। जो है नहीं हट पाया, जिसके लिए हम आपको ज्ञापन सब देने आए हैं। कौन सा चीज? ये हमारे वहाँ 1.5 महीने से इतनी भीड़ रोग डेंगू जैसे बुखार से इतने ज्यादा लोग पीड़ित हैं। प्रत्येक परिवार के लोग, हर परिवारों में 2 से 3 व्यक्ति पड़े हुए जलाए से, और हॉस्पिटल में भी लोग हैं। कुछ सब स्वास्थ्य नहीं, सब कुछ हॉस्पिटल में, लेकिन आप समझे हॉस्पिटल की हालत क्या हाल है। और वो घर से अपना चीज खराब है सर, मिला जुला करके हम लोग इस पे काम नहीं हो पा रहा है कि आखिर द्वारा जो है छिड़काव की स्थिति उदासीन है। नगर निगम द्वारा छिड़काव की स्थिति भी ठीक नहीं सर समय चल रही है, और फोन करने पर यह होता है कि ठीक है मैं आज कर दूंगा, ठीक है न कर। इतनी लापरवाही सर, आप एक बार नगर आप आर्य नगर का दौरा किए थे, जिसके लिए हम लोग वार्डवासियों ने आपकी तारीफ भी की थी, और तारीफ करने के बाद इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया। देखिए, अभी आर्य नगर वार्ड नंबर 71 के आए थे, वार्ड नंबर 71 के आर्य नगर के नागरिकों का ये कहना था कि उनके वार्ड में लगातार बुखार के मरीज आ रहे हैं और इसकी वजह से डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, तो उसमें प्रॉपर फॉगिंग और उसी कार्रवाई किया जाए। तो इसको हमने नोट कर लिया है, लेकिन आपके माध्यम से बताना चाहेंगे कि इस बार नगर निगम गोरखपुर ने पिछले साल की तुलना में 4 गुना ज़्यादा मशीनें खरीदी हैं। हमारे पास इस बार 4 गुना ज़्यादा संसाधन है। माननीय मेयर महोदय की अध्यक्षता में कमेटी ने 15 वित्त के द्वारा लगभग 60 लाख से अधिक मशीनें खरीदी हैं। प्रत्येक वार्ड में 2-2 एंटी लार्वा की मशीनें दी जा रही हैं, जो पिछले साल 1 थी इस बार 2 कर दी है। और जो फॉगिंग मशीनें पिछले साल केवल 16 थी, इस बार हमने 56 फॉगिंग मशीन कर दी हैं, 4 इसमें से बड़ी फॉगिंग मशीन है। तो लगभग 4 गुना अधिक हमने फॉगिंग मशीनें, 2 गुना अधिक हमने एंटी लार्वा की स्प्रे ये बनाया है। कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार फॉगिंग और इसकी कार्रवाई की जा रही है। फिर भी कुछ ना कुछ कुछ लोग घरों में कराना चाहते हैं, कुछ लोगों की शिकायत है कि उनके घरों में किया जाए। तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारी रहती है कि गली में हो जाए, गली के आसपास, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिले। अब कोई व्यक्तिगत अपने घरों में कराना चाहते हैं, एक बार गली में हो जाएगा तो उसके बाद व्यक्तिगत भी हम करेंगे, और SOS बेसिस पे जहाँ पे हमें केसेस आ रहे हैं वहाँ पे हम घरों में भी करवा रहे हैं। लेकिन पहली प्राथमिकता हमारी गलियों, मोहल्लों और उन सभी जगहों पे है जहाँ पे हमारे पहले काफ़ी जहाँ पे आउटब्रेक हुए हैं, डेंगू के आउटब्रेक्स हुए हैं। इस बार पिछले साल की तुलना में हमारे डेंगू के मरीजों की संख्या देखी जाए तो पिछले साल की तुलना में हमारे बहुत कम हैं, इस बार कंट्रोल्ड वे में, लेकिन और भी हम प्रयासरत हैं ताकि कंट्रोल रूम के माध्यम से लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है। अपर नगर आयुक्त को इसको नोडल अधिकारी बनाया गया है, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और ZSO लगातार इसकी सघन समीक्षा कर रहे हैं। प्रत्येक दिन रात्रिकालीन में हमारे द्वारा भी इसकी समीक्षा की जा रही है कि कहाँ कहाँ पर फॉगिंग हो रही है, कहाँ कहाँ पर एंटी लार्वा स्प्रे किया जा रहा है। आगे भी इस तरह की कार्रवाई चलती रहेंगी ताकि नगर निगम गोरखपुर में किसी भी प्रकार की कोताही किसी के द्वारा न बरती जाए। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के मुख्यालय सभागार में बैंक के सभापति विजय प्रताप सिंह ने पत्रकार वार्ता कर गरीबों, किसानों, मजदूरों के सर्वांगीण विकास को धरातल पर लाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग को कृषि विभाग से अलग कर स्वतंत्र विभाग बनाने से सहकारिता के क्षेत्र में नित्य नए आयाम बनाए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि कर्मचारियों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से लक्ष्य से अधिक पूर्ति समय से पूर्व कर लिया गया है। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गोरखपुर में संबद्ध 283 समितियों को 79,240 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था, जिसे बैंक ने समय से पूर्व 92,425 सदस्य बनाते हुए लगभग 2,10,00,000 रुपए अंशधन प्राप्त किए। बीस सदस्यता महाअभियान जो सरकार द्वारा ये चलाया जा रहा है, जिससे कि समितियां जो बैठी हुई हैं, जो 20 साल से 30 साल से नहीं चल रही हैं, आज जो चल रही हैं, सभी में सदस्य बनाए जा रहे हैं, जो नहीं चल रही उसको भी चलाने की। और सरकार की मंशा है कि सारी समितियां चलाई जाएं, और जो सरकार से, केंद्र सरकार से, प्रदेश सरकार से जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, वो गांव गरीब और किसान मजदूर हर व्यक्ति तक सहकारी संस्थाओं के माध्यम से पहुंचे हैं, जिससे कि उसका पूरा पूरा लाभ उस जिस व्यक्ति के लिए है उस व्यक्ति को मिले। इसीलिए इस अभियान को चलाया जा रहा है। और खाद बीज की भी समस्या, इस जो समितियाँ बंद हो गई थी, वहाँ के लोगों को दूसरे समिति पर जाना पड़ता था, बहुत दूर जाना पड़ता था, तो वो जब वही समिति पर खाद बीज मिलेंगे, समितियाँ चालू कर दी जाएंगी, तो खाद बीज वहीं पाएंगे, वहीं लेंगे। और आप तो जानते हैं, सहकारिता की ही देन है कि जो हमारा देश कभी खाद्यान्न के मामले में बहुत पीछे था, या कहिए खाने भर के अनाज नहीं पैदा होते थे, तब आप लोग हो सकता है बहुत से लोग छोटे रहे हों, बहुत छोटे, हम भी तब छोटे थे, हमारी उम्र तो अच्छी खासी हो गई है, तो खाने भर मिलता नहीं था, खेत तो ज़्यादा थे लेकिन पैदावार नहीं थी, क्योंकि उसमें डाई यूरिया तब चल ही नहीं थी, कोई खाद ही नहीं थी, अब गोबर की खाद से होती थी, तो उसमें कितना अनाज होगा। तो गांव में 2-4 लोगों को छोड़ करके बाकी सभी लोग, जान लीजिए, एक टाइम मुश्किल से भोजन मिलता था। आज ज़मीन की कमी हो गई, चाहे आबादी बढ़ने की वजह से, चाहे जिस वजह से ज़मीन तो खेती की पहले से कम हो गई है, फिर भी इतना ज़्यादा पैदावार हो रही है कि पूरा देश खाने के अलावा हम इतना अनाज पैदा कर रहे हैं कि दूसरे देश को हम भेज रहे हैं, जैसे कि लंका ही को भेजा गया और छोटे मोटे देश को भेजा गया। तो ये सहकारिता की देन है, सहकारिता से अच्छी बीज और अच्छे खाद दे करके, किसानों की मदद करके। हम पैसा बाद में लेते थे, पहले खाद देते थे, उनको दे देते थे और बाद में देते रहते थे किसान, जब उनकी पैदावार हो जाती थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार जनपद में पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। बता दें कि भीषण गर्मी और तपिश के बीच मौसम विभाग में पहले ही यह अनुमान जताया था कि अगले 3 दिनों तक लगातार बारिश की आशंका बनी है, जिसके क्रम में बारिश होने से लोगों को काफी राहत महसूस हुई है। सीएमओ का वाइट के भेजें तुमको, मुझे नमस्त किसी को लेकिन उसको आइए आइए सर, आपकी क्या दिक्कत। नगर निगम प्रशासन द्वारा महानगर को साफ सुथरा व स्वच्छ बनाने के क्रम में नाइट शिफ्ट में शहर के प्रमुख 13 बाजारों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही डोर टू डोर कलेक्शन भी किया जा रहा है। ऐसे में कार्यों को सकुशल संपादित किया जा सके, इसको लेकर नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश के क्रम में नगर निगम के अधिकारी व कर्मचारी लगातार भ्रमणशील रहकर कार्यों को करने में लगे हुए हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने बताया, रात्रिकालीन सफाई और नाइट स्वीपिंग की व्यवस्था नगर निगम गोरखपुर के द्वारा शहर के लगभग 13 मार्केटों में की जा रही है, जहां पे डोर टू डोर कलेक्शन के साथ साथ रात्रिकालीन साफ सफाई स्वीपिंग भी हो रही है। मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन के द्वारा रात्रि 10 बजे से लेकर 4 बजे तक शहर के मुख्य मार्ग, जो बड़े बड़े मार्ग हैं, वहाँ पे भी मैकेनिकल स्वीपिंग मशीन के द्वारा साफ़ सफाई करवाई जा रही है। साथ ही साथ जो शहर के प्रमुख कॉमर्शियल मार्केट्स हैं, जहाँ पे रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं,
और ईटरीज़ हैं वहाँ पे, चूँकि गंदगी काफ़ी होती है और रात्रि में 10-11 बजे जब वो अपनी दुकान बंद करते हैं तो सारा कूड़ा सड़कों पर ही फेंकते हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए नगर निगम गोरखपुर ने ऐसे सभी जगहों पर एक व्यवस्था बनाई है जहाँ पे रात्रिकालीन उनसे कूड़ा लिया जा रहा है ताकि कूड़े का निपटान नगर निगम के द्वारा दी जा रही गाड़ियों के द्वारा ही किया जाए, सड़कों पर ना फेंका जाए। इसी क्रम में निरंतर प्रतिदिन हमारी पूरे नगर निगम की टीम, अधिकारियों की टीम किसी न किसी एक जगह पर जाके निरीक्षण कर रही है। मेरे स्वयं के द्वारा भी निरीक्षण किया जा रहा है जहाँ पे हम रात्रिकालीन सफाई की व्यवस्था, साथ ही साथ डोर टू डोर कलेक्शन और तथा यूजर चार्जेस के संबंध में, जो यूजर चार्जेस नहीं दे रहे हैं उनसे यूजर चार्जेस भी लिया जा रहा है, और जो गंदगी फैला रहे हैं, जो डस्टबिन नहीं रख रहे हैं, उनका भी चलन काटा जा रहा है। तो ये व्यवस्था लगभग पिछले 15 दिनों से लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, आगे भी निरीक्षण इस तरीके से करते रहेंगे ताकि शहर के जो मुख्य मजार हैं वहाँ पर किसी भी प्रकार की गंदगी ना होने पाए। ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा क्रमिक एकता संघर्ष समिति के प्रांतीय आह्वान पर मुख्यमंत्री के घोषणाओं एवं 8 सूत्री मांगों को लेकर मंडल प्रभारी विजय कुमार के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने पैदल मार्च निकालकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा और अपनी जायज मांगों को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की मांग की। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए मंडल अध्यक्ष विजय कुमार ने बताया, पूरे प्रदेश के आह्वान पर जिला मुख्यालय गोरखपुर में हम कर्मचारियों का मांग को लेकर के धरना प्रदर्शन हुआ है। हम बताना चाहते हैं कि 4 अक्टूबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री जी डिफेंस एक्सपो के मैदान में अपने मुखारबिंदु से घोषणा किया था कि हम उत्तर प्रदेश के समस्त मनरेगा कर्मचारियों को 2 माह के अंदर HR पॉलिसी, उनके मानदेय की वृद्धि, उनका 180 दिन का प्रसूति अवकाश, उनके मानदेय की EPF कटौती सहित राज्य कर्मचारी बनाने का वादा उन्होंने किया था। लेकिन आज 2 साल बीत गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के वादे वादे के वादे रह गए। इसीलिए अब शक हो रहा है उत्तर प्रदेश के रोजगार सेवक और मनरेगा कर्मियों को कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कथनी और करनी में अंतर है। अगर अंतर नहीं है तो माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की संवेदना को सुन करके तत्काल अपने कहे हुए वादे का शासनादेश जारी करा दें। आगे अगर हम लोगों की बात इस तरह से नहीं सुनते हैं तो 8 अक्टूबर को हम लोग लखनऊ के दारुल सफा में अपनी प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। बैठक के बाद हम लोग प्रदेश स्तर का आंदोलन का आह्वान करेंगे। दिन भर में बस इतना ही, आई नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। नवागत SDM सदर ने कहा, तहसील में आने वाले फरियादियों की समस्याओं का निस्तारण पहली प्राथमिकता। नगर आयुक्त ने दी जानकारी, कहा दशहरा से पूर्व महानगर में नगर निगम के अधीन सड़कें हो जाएंगी गड्ढा मुक्त। देवरिया घटना में घायल बच्चे का सदर सांसद ने जाना हाल, कहा दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई। नगर आयुक्त व प्रवर्तन दल प्रभारी के नेतृत्व में प्रवर्तन दल टीम की बैठक संपन्न, कई विषयों पर हुई चर्चा। चौरी चौरा थाने की पुलिस ने गैंग बनाकर चोरी, लूट, नकबजनी जैसे अपराध करने वाले गिरोह के 3 अपराधियों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत की कार्रवाई। वार्ड संख्या 71 के स्थानीय लोगों ने नगर आयुक्त से की मुलाकात, कहा डेंगू पर करें प्रभावी नियंत्रण। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड गोरखपुर के सभापति ने पत्रकार वार्ता कर दी जानकारी, कहा निर्धारित लक्ष्य को समय से पूर्व पूरा करते हुए 2,10,00,000 रुपए अंशधन किया गया प्राप्त। जनपद में हो रही बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को गर्मी व उमस से मिली राहत। नगर निगम प्रशासन महानगर के 13 प्रमुख बाजारों में नाइट शिफ्ट में कर्मचारियों को लगा चला रहा विशेष सफाई अभियान। और मुख्यमंत्री के घोषणाओं एवं 8 सूत्रीय मांग को लेकर ग्राम रोजगार सेवक मनरेगा कार्मिक एकता संघर्ष समिति ने पैदल मार्च निकाल सौंपा ज्ञापन। अगले अंक में आपसे होगी फिर मुलाकात। साईं प्रणाम।